वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप देखेंगे इसी टॉपिक से एसएससी, एई, जेई और इंडिया लेवल के, स्टेट लेवल के काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए। अगर ये टॉपिक आपको आ जाता है तो आप आसानी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे, वो भी बहुत ईजिली। तो देखते हैं, टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ कैम्बर फॉर डिफरेंट पेवमेंट्स, यानी कि अलग अलग टाइप की पेवमेंट्स के बारे में आईआरसी ने कैम्बर की वैल्यू कितनी प्रोवाइड करी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने एक टेबल तैयार करके रखी है आपके लिए। आईआरसी ने जो डाटा प्रोवाइड किया उसी टेबल के फॉर्म में प्रोवाइड किया हुआ है। सबसे पहली जो पेमेंट है वो थिक बिटुमिन या फिर सीसी पेमेंट, काफ़ी अच्छी टाइप की रोड होती है उसके लिए। उसके बाद है थिन बिटुमिन पेमेंट्स, इससे थोड़ी सी हल्की क्वालिटी की रोड। उसके बाद है वाटर बाउंड मैकाडम रोड्स, तो इससे थोड़ी और लो क्वालिटी के रोड्स होते हैं। और उसके बाद है अर्थन रोड्स के लिए, जो गांव में कच्ची सड़कें हैं, बिल्कुल अर्थन रोड्स हैं उन सब के लिए। तो आप देखेंगे हाई रेनफॉल और लो रेनफॉल के लिए अलग अलग डाटा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, पानी ही सड़क का असली दुश्मन है, पानी से ही सड़क खराब होती है। तो हम नहीं चाहते कि पानी सड़क पर थोड़ी देर भी ठहरा रहे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कैम्बर की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। कैम्बर कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है कि जहाँ हाई रेनफॉल एरिया है उस जगह हम कैम्बर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे एज कम्पेयर टू लो रेनफॉल एरिया, ताकि पानी जल्दी से साइड में चला जाए और ड्रेन हो जाए, ड्रेन के थ्रू बाहर निकल जाए, सड़क पे ना टिका रहे। तो इसके लिए आप देखेंगे टेबल बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगी। सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली वैल्यू लो रेनफॉल की सीसी या थिक बिटुमिन पेवमेंट के लिए 1.7 है और यहाँ 2%। सिर्फ इतना सा हमें याद रख के चलना है, पहली वैल्यू 1.7% है और जो सेकंड वैल्यू है वो 2% है। इसके बाद जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी वो साइड वाले कॉलम में रिपीट हो जाएगी। इस 2 को हम इधर लिख देंगे सेम एज इट इज 2%, और उसके बाद 0.5 इसमें ऐड करके यहाँ लिख देंगे 2.5%। अब देखिएगा थिक बिटुमिन या सीसी रोड के लिए लो रेनफॉल की वैल्यू, यानी कि सबसे अच्छी रोड के लिए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रोड के लिए, उस जगह पर उस एरिया में जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल हो रही है वहाँ वैल्यू ऑब्वियसली सबसे कम होगी। वहाँ ज़्यादा कैम्बर की जरूरत हमें है ही नहीं, नीड ही नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ 1.7% कैम्बर हमने रखा है। इसके बाद उसी रोड के लिए, वही रोड अगर हाई रेनफॉल एरिया के अंदर बनी हुई है तो वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के 2% कर दी गई है यहाँ पर। अब सेकंड वैल्यू को किस तरह से याद रखना है, इस 2 को यहाँ पर रख लेना है सेम यहाँ, और इसमें 0.5 ऐड करके इस साइड लिख देना है। फिर सेम प्रोसेस रिपीट, 2.5 को इधर रख देना है और इसमें 0.5 बढ़ाकर यहाँ, यानी कि 3% इधर रख लेंगे। तो ये वैल्यूज हमारी WBM के लिए आ जाएंगी। अब सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना है, इस 3% को यहाँ पर लिख देंगे। और अब की बार लास्ट में अर्बन रोड्स के लिए, आप जानते हैं इसमें सबसे हाई वैल्यू रहनी चाहिए क्योंकि कच्ची सड़क है, वहाँ पर पानी ज़्यादा देर नहीं टिकना चाहिए वरना सब क्या हो जाएगा, कीचड़ हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 के बजाय 4% यहाँ पर कर देंगे। तो बहुत ही ईजी है, याद रखना पहले 1.7 और इधर 2, उसके बाद 2 को यहाँ रख देना है साइड में, 0.5 ऐड करना है, फिर 2.5 को इधर रख देना है साइड में, 0.5 ऐड करना है, फिर 3 को इधर रख देना है साइड में, और अब की बात लास्ट में 0.5 की जगह 1% ऐड होगा 3 में। तो ये हमारी टेबल निकल के आ जाएगी। आप मानेंगे नहीं, इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इतनी बार पूछा गया है कि अगर आप इसे मेमोराइज कर लेते हैं इस छोटी सी टेबल को, तो आप बहुत ईजीली उन सभी क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे।